बहुत वाइट क्या चला रहे भाई, इतना नुकसान हो गया भाई का, ये इसने कह रहा है चलो उठाते हैं भाई का। ये सामने वाला ये मेरे साथ आया था सर्विस सेंटर में, अभी क्या स्ट्रगल कर रहा है ना, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम होता है, बट धीरे धीरे कर लेगा। और मैं उसको सजेस्ट किया था कि ब्लॉग बनाइए, उसमें बहुत टैलेंट है, तो अभी अपना आया था सर्विस से करना है। तो आज के ब्लॉग में ये भाई जा रहा है अमिताभ बच्चन के घर पे पानी पीने। अमिताभ बच्चन, हेलो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं अमिताभ बच्चन के बंगले की तरह। इतना टास्क किया मैंने अमिताभ बच्चन का घर बंगला देखने के लिए। अमिताभ बच्चन आज संडे के दिन पे फाल करते हैं, चलो तो देख सकते हैं आप लोग कितने लो भाई, सुबह से इतना तार फिर जाते हैं, आज बाहर निकलेंगे ना भाई। तो ये घर है, ये सामने वाला तो सर्विस सेंटर आए थे, तो यहाँ से निकलते अभी तो हमको पैदल यात्रा करना पड़ेगा, तो रिक्शा वगैरह ले लेंगे ट्रैफिक में, तो भाई यहीं पर देंगे। कल मेरे साथ शायद से नहीं आ पाएगा ये, क्योंकि कल जॉब वगैरह पे जाएगा, फोर व्हीलर का काम वगैरह सीखता है। और इसको सपोर्ट करो, फुल सपोर्ट करो भाई, बढ़िया बढ़िया ब्लॉग बनाएगा आपके लिए। तो चलते हैं अमिताभ जी के घर का पानी पीते, जूझो पड़े के नजर देखेंगे, अजय देव का धर्मेंद्र और किशोर कुमार का बंगला, और शायद कपूर का घर भी बताएंगे आपको यहाँ से। चले फिर और आज पीने जा रहे हैं घर पर पानी पीने, पानी पीने हम लोग देख सकते हैं ये घर है। अब अच्छा जी का घर की तरह वीडियो बनाना मना है, हम लोग जो वॉचमैन लोग रहते हैं रोटी काटन में सब मना कर रहे हैं, क्या कह सकते घंटे से पब्लिक खड़ी है। अच्छा बच्चन के निकलने का वेटे, अच्छा बच्चन भाई नहीं निकलते तो कभी क्या कर सकते हैं क्या। अमिताभ बच्चन ये 100 मीटर दूर पे है, ये गेट आता है जूह चौपाटी की तरफ जाने का रास्ता, बाकी सब लोग को नहीं मालूम ये भी है क्या रास्ता है जूह चौपाटी की तरफ। और ये रास्ता माना जाता है JW का रास्ता माना जाता है जूह चौपाटी की तरफ। वेलकम टू जू बीच, तो यहाँ से हर गेट पे लिखा हुआ है जूह बीच की तरह। तो चलो आपको अंदर जाना चाह रहा हूँ, उठाओ ना कोई जब कोई भी हेल्प नहीं करते हैं, देखते हैं कोई भी हेल्प नहीं करता इसे बाहर से देखते हैं। Oh,
देख सकते हैं आप, ये खा सकते हैं। इसको क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं? चना चोल। चना चोल फोन आ गया।